channel. So happy Rakshabandhan to all of you. मैं शूट कर रही हूँ बेटा, तभी बोल रही हूँ कि आपने किसी राखी बांधनी है? आपके भाई हैं यहाँ पे? आपको पता है मैं राखी पोस्ट कर दी है, तो आपके भाई नहीं है ना यहाँ पे? और राखी नहीं बांधनी तो प्लीज गिव इट टू मी. व्हाट इज दिस बाय? व्हाट इज दिस जस्ट बाय? एवरीवन वेलकम टू शेप अप योर लाइफ. तो आज है रक्षाबंधन. हैप्पी रक्षाबंधन टू ऑल ऑफ यू. आप लोगों को बहुत सारे गिफ्ट्स मिले, बहुत सारे पैसे मिले. लड़कियों मजे करो. तो आज हम लोग बांधेंगे राखियाँ. हम अच्छे अच्छे तैयार हुए हैं, देखिए. तो हम लड़कियाँ सारी तैयार हो गई हैं, पर लड़के एज यूजुअल उनको बनवाने में कोई इंटरेस्ट नहीं था, क्योंकि उनको देने पड़ते हैं पैसे और साथ में गिफ्ट्स. तो वो ऐसे ही बने हुए हैं गंदे मंदे से, और ऐसे उन्होंने राखियाँ बनवानी हैं. तो आइए देखते हैं कि हम कितनी सारी मस्ती करते हैं. सो एंजॉय. फर्स्ट टर्न तनु की है. और ये टेक दिस 5 रुपीज को मंच पे. रख ले, प्यार से जो देता है वो रख लेते हैं. 2000 ठीक है, 2000. ओए इतना भी मिलियनियर है वो नहीं है, वो कमाते हैं वो. चुप कर. वाओ ये अच्छे से करना, तरक्की करना, अच्छी से नौकरी करना, बाहर चल जाना. ये वाली बर्फी मैंने खुद बनाई है और ये मार्केट की है. इसकी रेसिपी आपको मिल जाएगी वीडियो के लास्ट में. ओके ये है डोडा बर्फी. तो ये दे रहा है इसको. तो देखा आप सबने, सबने राखियाँ बांध ली हैं. एंड आई एम मिसिंग माई ब्रदर्स. तो मैं जा नहीं पाती हूँ, क्योंकि एक छोटे वाला जो भाई है वो दूर है काफ़ी, और बड़े वाले भैया पास में भी हैं लुधियाना में, लेकिन फिर भी स्पेशली राखी के लिए मुझसे नहीं जाया जाता. कम से कम 3 साल पहले मैं गई थी उनके पास लुधियाना राखी पे,
तो उसकी कुछ पिक्स हैं, एक दो पिक्स हैं वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, तो आप देखें। तो उन पिक्स को देख के प्लीज़ हैरान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो मेरी पुरानी पिक्स हैं जिनमें मैं ओवरवेट थी। तो हाँ, देखने में मैं आपको कुछ हेल्दी लगूंगी, बट नो मैटर, अब मेरा वेट लूज़ कर लिया हुआ है मैंने। तो अब ये मेरा वेट लूज़ किए मुझे कम से कम 2 साल हो चुके हैं, और इसी तरह से मेरा वेट मैंने मेंटेन भी किया हुआ है। मैं बार बार आपको अपनी वीडियोज़ में बताती रहती हूँ, क्योंकि जब आप हेल्दी डाइट लेते हैं वो ज़्यादा मैटर करती है, बजाय कि आप एक्सरसाइज कितनी करते हैं। मैं एक्सरसाइज भी करती हूँ, डाइट भी फॉलो करती हूँ, लेकिन जो मैटर करती है ज़्यादा चीज़ वो है आपकी डाइट, कि आपकी डाइट कैसी है। तो चलिए एक बार वो पिक्स देख लेते हैं। यहाँ पे और आ गए हैं। ये अपने भाइयों के पांव छू रही है भाई, और ये लड़की पागल हो गई है मुझे लगता है। राखी जो है वो संडे के दिन आई है, तो इसलिए संडे को मेरा चीट मील भी होता है, तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मैंने आज मीठा कितना खाया या कि मैंने आज चने और पूरी कितने खाए, क्योंकि आज मेरा तो चीट मील डे है, तो मैं इंजॉय कर सकती हूँ ये हैवी हैवी खाना। आई होप आप सबने भी राखी पे खूब इंजॉय किया होगा, खूब मस्ती की होगी। सो वंस अगेन हैप्पी रक्षाबंधन टू ऑल ऑफ यू। चलिए अब देख लेते हैं टोडा बर्फी की रेसिपी। उसके लिए मैंने एक पैन में 1 टेबलस्पून डाला है देसी घी का, और 200 ग्राम्स डाला है उसमें मावा। मावा को हम अच्छे से भून लेंगे, लाइक 2 मिनट तक उसको भूनने के बाद उसमें ऐड करेंगे हम क्रश किया हुआ पनीर। तो यहाँ पे पनीर भी मैंने 200 ग्राम ही लिया है, दोनों चीज़ें 200 ग्राम्स ली हैं। उसके बाद उसमें डाला है पाउडर शुगर 150 ग्राम। तो अच्छे से इन चीज़ों को हम मिक्स कर देंगे, 2 मिनट चलाने के बाद उसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा दूध, ताकि चीज़ें जो है वो अच्छे से मिक्स हो जाएं। 1 टीस्पून डाला है यहाँ पे बेकिंग पाउडर, और बेकिंग पाउडर डालते ही थोड़ा फ्लफ़ी हो जाएगा, लेकिन थोड़ी देर बाद ये सेटल हो जाएगा। अब ऐड किया है चॉकलेट सिरप, चॉकलेट सिरप के अलावा आप इसमें कोको पाउडर भी डाल सकते हैं। और उसके बाद एक कोई भी एक बर्तन लेके उसमें फॉइल पेपर लगा दें, और बर्फ़ी का सब पूरा मिक्सचर जो है वो उसमें डाल दें। इसको सेटल होने दें कम से कम 15-20 मिनट तक, और उसके बाद आप इसमें अपनी पसंद का कोई भी ड्राई फ्रूट लाइक पिस्ता या फिर बादाम, काजू, जो भी आप डालना चाहें वो डाल सकते हैं। और थोड़े ठंडे होने के बाद इसको पीसीज में कट कर लें, और बर्फ़ी रेडी है।